पार्टी में। आजाद जी ठीक है, पार्टियों के लिए कितने जरूरी हो गए दागी, ठीक है। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, ये मानते तो सब ये है कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए, सारी पार्टियां बोल रही है। क्वेश्चन ये है जो आपने पूछा, ये पॉसिबल है कि नहीं है। आप ये देखिए, आज समाजवादी पार्टी थोड़ा गेस्ट हाउस कांड करने वाली पार्टी के नेता बीजेपी को बोल रहे हैं, और ये कांग्रेस वाले भी इस चीज पर, एक मिनट तो सुन लीजिए, बीजेपी गुंडे पैदा कर रही है, कांग्रेस वाले जो सड़कों पे उत्पात मचा रहे हैं, वही कल भाजपा के नेता होंगे पार्टी से जो आज माहौल लिंचिंग कर रहे हैं, जो गाय चोरी के नाम पे, जो गाय के नाम पे, भैंस के नाम पे हत्याएं कर रहे हैं, उन लोगों को नेता बना रही है भाजपा, एक नया देश बनाने जा रही है भाजपा। वो तो सब छोटी बातें हो गई। मुजफ्फर जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, हाँ सरकार गिर जाएगी अगर आप तो सारे दागी है हमारे देश के, तो कोई सरकार ही नहीं बना पाएगा। ये तो है हमारे देश के नेता, सर हम नेता नहीं है, सर नेता आप बैठे हो। चल चल चलिए, शालीनता से जनता का राजनीतिक विश्लेषक है मिश्रा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, राजनीतिक विशेषज्ञ है उन्होंने, आप बात को देखिए, राजनीति का प्रचंड यही कहता है राजनीति के अंदर, बात को समझ ही नहीं रहे विशेषज्ञ, आपको भी कुछ कहे और हमें भी कुछ कहे। अगर देश के अंदर एक अच्छा राजनीतिक वातावरण बनाना है तो इन राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनको बोलना, उनका लिखना और उनका दिखाना सब कुछ होना चाहिए। गांव की मान्यता रद्द करिए ना, देखिए कैसे आपकी सरकार चल रही है। आपकी सरकार में होते हुए इसी चीज पे आप प्रतिक्रिया, आपके सांसद छोड़ के चले जाएंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी, ये सबसे बड़ा प्रतिक्रिया है आपके अंदर सर, और इस डर को आप कबूल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है मिश्रा जी मैं बताता हूँ, 1581 उनके दागी तरीके नेता में है, अगर शालीनता हो तो भी है, कांग्रेस में भी है, सपा में भी है, बसपा में भी है, मिश्रा जी को लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये एक बहुत यार्ड स्टिक वाला डिसीजन है, और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के मुझे लगता है कोई ऐसे जो है शुद्धिकरण का कोई तरीका या कदम ही नहीं ले रहा है। यहाँ टेक्निकल इशू देखिए क्या है, न्यायपालिका अपना डिसीजन तो दे देगी सुप्रीम कोर्ट, ग्राउंड जीरो पे इंप्लीमेंट कौन करता है, वो कार्यपालिका करती है, पुलिस करते हैं, पुलिस और नेताओं की जो मिली भगत है, तो ये पार्शियल सक्सेस मिलने की। हमारे यहाँ देखिए बड़े बड़े अपराधी छूट क्यों जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट बहुत सही रहती है, सारे जज बहुत सही रहते हैं, लेकिन जो जिन लोगों को सारे सबूत इकट्ठे करने हैं, इन्वेस्टिगेट करना है, नेता लोग जो है इस तरीके से प्रेशर बनाते हैं कि वो बरी हो जाते हैं। देखिए ये काम होना क्यों चाहिए, मैं आपको बताऊं, हमारे सारे नेता इतने शॉर्ट साइटेड होते हैं ना, दागी लोग अगर सत्ता में आ जाए तो कितने बुरी तरीके से देश को नुकसान होता है, एक चैन रिएक्शन शुरू हो जाता है, वो आदमी मंत्री बनेगा तो गवर्नमेंट को प्रभावित करेगा, पुलिस सिस्टम को प्रभावित करेगा, अपने फेवर के डिसीजन लेगा, चार और अपराधियों को बचाता है, तो ये अपराधीकरण का एक चैन रिएक्शन होता है, और ऐसा करने पे आप जनता के हकों का जो है, मतलब आप ये समझ लीजिए हनन करते हैं, तो इसलिए ये चीज होना बहुत जरूरी है। मैं देखिए एक चीज से मैं इंप्रेस हूं, अखिलेश यादव ने ये पहली बार कदम लिया था, उन्होंने बोला था कि भाई अपराधियों को हम टिकट नहीं देंगे, और इलाहाबाद में अतीक अहमद जो एक दबंग नेता माने जाते हैं उनको स्टेज से उठा दिया था, वो जीते हारे वो दूसरी बात है, लेकिन ये कदम वाकई में पहली बार किसी नेता ने लिया था, भले ही इनकी पार्टी का पास्ट रिकॉर्ड कितना ही अच्छा या खराब हो। हाँ। इसी तरह का मैं बोलता हूँ, आप सारे लोग अच्छे काम करके भी आप चुनाव जीत सकते हो, राजीव गांधी ने क्या कोई ऐसा काम किया था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीता, आप लोग अच्छे काम करके चुनाव जीतिए ना। ठीक आजाद जी, देखिए ये पूरा एक सिंडिकेट है और रैकेट है पॉलिटिकल पार्टियों का, सारे मिले हैं, और इस समस्या का अगर समूल हमें जो है जड़ से खत्म करना है ना, तो केवल एक विभाग, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका हो, मल्टीलेयर फिल्ट्रेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया, पॉलिटिकल पार्टियों को भी अब यह सोचना चाहिए कि हम अपने लेवल पे खत्म करें, और अल्टीमेट में पब्लिक को बोलना चाहता हूं, आप जागो और आप देखो, अब तो सब पढ़े लिखे हैं, आप देखो अगर ये दागी है तो आप उसको वोट मत दो।